क्या कोविड की वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन हो सकता है, शुक्राणु की कमी हो सकती है? क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत आता है कि सर मैं वैक्सीन लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, या मैंने वैक्सीन लगवा ली है तो क्या अब मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाऊँ, नपुंसकता आ जाएगी मुझे? तो ऐसे बेफजूल के इतने क्वेश्चन रहते हैं, तो इनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक की तरफ, और उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत बेस्ट वीडियो आपके लिए लाता हूँ, बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो यही चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, इसके लिए मैंने कितने ही डॉक्टरों से बात की है, और मेरे पास भी पेशेंट आए जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, जिन्होंने 2 महीने पहले वैक्सीन लगवाई है, जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है ना, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, खुद मैंने भी लगवाई है, और मुझे आज तक ऐसा कोई केस नहीं मिला जिसको वैक्सीन लगवाने के बाद कहेगी नपुंसकता आ गई है, लिंग में तनाव की कमी आ गई है। बहुत से आर्टिकल है, बहुत से डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट किया है, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे सीनियर हैं, उनसे बात की है मैंने। बहुत से मैंने कंसल्ट करने के बाद बहुत सी वीडियो मैंने इसके बारे में देखी है, रिसर्च की है, गूगल पे सर्च किया है, तो मुझे नहीं लगा कहीं भी ऐसा लिखा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, या लिंग में तनाव की कमी होती है, या शुक्राणु की कमी होती है, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होता है। तो आप इन बेफालतू के क्वेश्चनों को पहले तो बात आप पूछो ही मत, ठीक है ना, और इन चक्करों में आप पढ़ो ही मत। और मेरी आपको एक सजेस्ट है, और वैक्सीन कोई से भी हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, या रूस की जो स्पुतनिक आई है, वो कोई भी हो वैक्सीन हो, किसी का इससे कोई रोल नहीं है। देखिए, वैक्सीन अलग चीज़ है, वो तो एंटीबॉडी बना रही है ना, तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो आप इन चक्करों में मत पड़े, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी की भी बहकावे में मत आए, ठीक है ना। आपको कितना भी कोई बहकाए कि वैक्सीन से ये होता है, वैक्सीन से वो होता है, कुछ नहीं होता है, वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन ही आपको कोरोना से बचा सकती है, एक वैक्सीन ही हथियार है आपके पास। तो अभी तो वैक्सीन खूब लग रही है, तो आप जितनी जो आपका नज़दीकी सेंटर है वहाँ पर जाइए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो बात इन चक्करों में मतलब पड़े कि इनका सेक्स से कोई मतलब गुप्त रोग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और वैक्सीन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना इतना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को इसने बिल्कुल सर्वनाश कर दिया है। और एक और बात बता दूं, यदि आप ऐसी कोई समस्या से ग्रसित हो, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, वीर्य में शुक्राणु कमी, और यदि आप हमसे अभी दवाई मंगा रहे हो, तो इस महामारी के दौर में मैंने अपनी जो जितनी भी दवाई है उनके जो रेट हैं बहुत कम कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बजट कितना बिगड़ रहा है। अब फिलहाल आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो इलाज कहाँ से कराए? तो इसमें मैं भी एक रोल अपना निभा रहा हूँ कि मैं आपको कम से कम पैसों में बेस्ट से बेस्ट दवाई देने की कोशिश करूँ। तो यदि आप कोई ऐसी समस्या से ग्रसित हो, तो जो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमें जो रिपोर्टें वो भेजें, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़े, हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट और सस्ते दामों पर देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू।